शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि अल्लाह पाक है, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की बीवी ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है, असल यह है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की, और अल्लाह खयानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता, और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता क्योंकि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहां साहिब मंजिलत हो और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे जरई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूं और उस काम से वाकिफ भी हूं। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क के मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहां चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकूकारों के अजर को जाया नहीं करते, और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं? अब अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो, अजब नहीं कि जब ये अपने अहलोयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहां आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था, सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारे शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है, और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तो तुमसे रोक नहीं सकता, बेशक हुक्म अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हां, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस ना करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आप होरा रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफले वालो, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है? वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है, और जो शख्स उसको लेके आए
उसके लिए एक बारे शुत्र इनाम और मैं इसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या? उन्होंने कहा कि उसकी सजा यह कि जिसके थैले में वो दस्तियाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करती हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर यह कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। ब्रादरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, यानी जेरे लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए, हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें, ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो, तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे, और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से यानी अहले मिस्र से और जिस काफले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस, और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, आप तो यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ए बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज, हमें और हमारे अहल अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम ये थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें इसके एवज पूरा गल्ला दे दीजिए और हम पर खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हां मैं यूसुफ हूं, और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह, आप उसी कदीम गलती में मुबतला हैं, मगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया, सो वो बीना हो गए
और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफिरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमनो अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैदखाने से निकाला, और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहां लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर, ये अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे। और बहुत से आदमी गो तुम कितनी ख्वाहिश करो, ईमान लाने वाले नहीं है, और तुम उनसे उस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। और आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिर्क भी करते हैं। तो क्या ये इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होकर इनको ढांप ले, या इन पर नागहां कयामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? कह दो, मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं समझ बूझ कर, मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और मेरे पैरों भी, और अल्लाह पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते नहीं? यहां तक के जब पैगंबर नाउमीद हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें वो सच्चे ना निकले, तो उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया, और हमारा अजाब उतर कर गुनाहगार लोगों से फेरा नहीं करता। इनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज की तफसील करने वाला, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ए नबी, ये किताबे इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान, जैसा कि तुम देखते हो, इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक एक मियाद मुय्यन तक गर्दिश कर रहा है, वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जमीन में कई तरह के कितात हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती, बावजूद के पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देती हैं, और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं।
अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का यह कहना अजीब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोजख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई जल्दी से मांगते हैं, यानी तालिब अजाब हैं, हालांकि इनसे पहले अजाब वाकई हो चुके हैं, और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के माफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। ए नबी, तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। अल्लाह ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है, और वही पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके हां एक अंदाजा मुकर्रर है। वो छुपी और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बुजुर्ग है, आली रुतबा है। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए, या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, अल्लाह के नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगरानी करते हैं। अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह तहमीद करते रहती हैं, और वही बिजलियां भेजता है फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ती हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। काम का पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है खुशी से या नाखुशी से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करती हैं। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामईन पर सजदा वाजिब है। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही कह दो कि अल्लाह। इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है। भला इन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनके लिए मखलूकात मुश्तबा हो गई है। कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रूए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां। ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा, और इनका ठिकाना भी दोजख है, और वो बुरी जगह है। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और कौल व करार को नहीं तोड़ते, और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते, और अपने परवरदिगार से डरते रहते, और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं।
और जो अपने परवरदिगार की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है, और आकिबत का घर खूब घर है, और जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कतह कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और इनके लिए बुरा अंजाम है। अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है, और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है, और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं, जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ऐ नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है, ताकि तुम इनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो, और ये लोग रहमान को नहीं मानते। कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं, और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो क्या ये लोग ईमान ले आते। बात यह है कि सब बातें अल्लाह के इख्तियार में हैं, तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता, और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले आफत आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहां तक कि अल्लाह का वादा आ पहुंचे, बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं तो मैंने काफिरों को मोहलत दी फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा रहा, तो क्या वो जो हर शख्स के आमाल का निगरान और निगहबान है वो बुतों की तरह बेइल्म बेखबर हो सकता है। और इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, इनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो, क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जो रूए जमीन पर हैं और उसे मालूम नहीं, या तुम लोग महज सतही बात की तकलीफ करते हो। असल यह है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रस्ते से रोक लिए गए हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं, उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है, और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोजख है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होती हैं, और बास फिरके इसकी बास बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं, मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है, और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। और ऐ नबी हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता, हर हुक्म कजा किताब में लिखा हुआ है,
अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास असल किताब है। और अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू इन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, और अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुतेरी तदबीरें करते रहे हैं, सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की होती है। हर शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए होता है। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है, इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुकद्दर है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं। ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं, और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे, फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी, वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है काबिले तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मोजजा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हां हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजजा दिखाएं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए, और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे
या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे, और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है। और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हां, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे। वहां वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीजा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हो। वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करार और सबात नहीं। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा। और अल्लाह बेइंसाफों को गुमराह कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोजख में, के सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें ना अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेरे फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्र है।
और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रखियो, ऐ परवरदिगार उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला है मेहरबान है। ऐ परवरदिगार मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत व अदब वाले घर के पास ला बसाई है, ऐ परवरदिगार ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ऐ परवरदिगार जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं न जमीन में न आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजो। صدق الله العظيم.